सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बालवीर रिटर्न्स में इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है काफी कुछ मजेदार। तो वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड्स तो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, जहां पूरी तरह से अब शो की कहानी ले चुकी है एक नया मोड़ बालवीर की मौत के साथ ही। जी हाँ दोस्तों, न सिर्फ विवान अनन्या, न सिर्फ वीर लोग बल्कि दर्शक भी है इस बात से काफी इमोशनल कि बालवीर का हो चुका है अंत। लेकिन यहाँ पर दर्शक इस बात से भी खुश हैं कि बालवीर अब उन्हें बालवीर की आत्मा के रूप में नजर आने वाला है। यानी यहाँ पर हमारा बालवीर तो अपने शरीर के साथ वापस नहीं लौटा है, लेकिन यहाँ हमें बालवीर की आत्मा देखने के लिए मिलने वाली है। और इसी ट्विस्ट के साथ शो अब और भी ज्यादा मजेदार हो गया है कि वीरलोक में दी जा रही है अब बालवीर को विदाई। तो यहाँ पर अनन्या और विवान के साथ साथ करुणा भी है, थोड़ी सी इमोशनल कि एकदम से देवो उन्हें यूं छोड़कर चला गया है। यहाँ पर सब होंगे बहुत ही ज्यादा इमोशनल, तो वीरलोक में भी हर कोई काफी ज्यादा इमोशनल होगा, सभी होंगे बहुत ज्यादा परेशान बालवीर को यूं बेजान देखकर। लेकिन दोस्तों, यहीं से शो की कहानी एक नया मोड़ लेती हुई नजर आएगी जब हमारा बालवीर एक आत्मा के रूप में वापस लौटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी के साथ आप देखेंगे कि अपने देवू भैया को यूं बेजान देखकर, यानी देवू की मौत को देखकर विवान पूरी तरह से टूट जाएगा। बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा विवान, क्योंकि हमेशा ही विवान ने बालवीर से कुछ ना कुछ सीखा, हमेशा ही वो नक्शे कदम पर चला बालवीर के, और बालवीर का यूं अचानक से चले जाना विवान को भी काफी भारी पड़ रहा है। लेकिन बता दे कि यहां है कोई ऐसा शख्स जो इस बात का उठाने वाला है फायदा, और ये कोई और नहीं बल्कि ये है रे। जी हाँ दोस्तों, रे जिसने खुद ही ली है बालवीर की जान, और रे है बहुत ही ज्यादा खुश कि फाइनली उसने कर दिया है बालवीर का अंत। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब रे विवान का सहारा बनकर ही उसे धोखा देता हुआ नजर आएगा। दरअसल रे अब यहाँ बालवीर की जगह लेगा विवान की जिंदगी में। वो उसे कहेगा कि अब वो उसका बड़ा भाई है, वो उसका साथ देगा, वो उसे समझाएगा, वो उसका सहारा बनेगा। और विवान जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल, और जिसने रे को हमेशा ही अपने कहीं ना कहीं अच्छे के लिए ही देखा है, क्योंकि विवान नहीं जानता रे की सच्चाई, और ऐसे में विवान भी रे से सहारा लेगा, और यहीं पर रे उठाएगा फायदा विवान के इमोशनल होने का। लेकिन दोस्तों बता दे कि देवू की आत्मा लौट आई है वापस, और यहाँ जब देवू की आत्मा ये देखेगी कि रे विवान का फायदा उठा रहा है, तो शो में आएगा मजेदार ट्विस्ट, क्योंकि देवू की आत्मा ही रे के सारे प्लान फ्लॉप करती हुई आएगी नजर। यानी शो में धमाकेदार और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ साथ कुछ कॉमेडी भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो वही अब अगर बात की जाए दर्शकों के सवालों की, दर्शक इन दिनों काफी ज्यादा उलझन में, जो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम देवू को आत्मा के रूप में कब तक देखेंगे, यानी देवू हमें कब एक बार फिर से अपने रूप में नजर आएगा। तो बता दे कि लगभग 1 से 1.5 महीना अब हमें ये आत्मा वाला ट्रैक देखने के लिए मिलने वाला है। और जब हमारा बालवीर यानी कि हमारा देवू फिर से वापस लौटेगा, तो वो अपने ही रूप में नजर आएगा, यानी हमारे देव जोशी ही बालवीर का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। वाले एक और जरूरी बात बताते चले कि यहाँ पर बालवीर के शरीर को वीरलोक में जलाया नहीं बल्कि दफनाया गया है, यानी हमारा बालवीर अपने ही रूप में लौटेगा वापस। लेकिन बालवीर यानी कि देवू की आत्मा के साथ शो के अपकमिंग एपिसोड्स होने वाले हैं काफी ज्यादा मजेदार। देखना अब ये होगा कि विवान और अनन्या को जब ये पता चलेगा कि देवू की आत्मा है उनके आसपास, तो दोनों के क्या रिएक्शन होंगे, दोनों किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और देवू उन लोगों की किस तरह से मदद करेगा, और कैसे बताएगा उन्हें रे की असली सच्चाई, ये सब देखना होगा काफी मजेदार। तो देखते रहिए सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।